Hello traders, welcome to Aliceblue. This is the Ken Gugui, and in this video I'll discuss about the crude oil. And here you can see this is crude oil. So I told that the crude oil is just near the resistance line, so you can see here. So yesterday I drawn a range. I think you remember that one. आपको पता होगा. तो इधर अगर हम देखें तो कल का जो एक रेंज था मैंने कनेक्ट किया था यहाँ पे, तो आपको मैंने बताया था अगर ये रेंज को ब्रेकआउट कर दिया तो आप सेल में जा सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से आप अगर सेल गया तो मुझे लगता है 30-40 पॉइंट आपको मिला होगा. ये 1 आवर चार्ट, तो अगर आप देखें तो 15 मिनट में और आज के लिए, तो आप देख सकते हैं ये आज के लिए तो 15 मिनट में क्या हो रहा है. अभी मूविंग एवरेज 50 का आसपास यहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा है. आप देख सकते हैं 50 से बाउंस हुआ, राइट. नेक्स्ट 50 से बाउंस हुआ है, तो यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट 50 आसपास आया तो यहाँ से फिर से एक बार बाउंस हो सकता है 200 मूविंग एवरेज के लिए. तो अगर यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर लिया तो प्रीवियस हायर पॉइंट जो है उसका ऊपर आप एस एल लगा सकता है, और टारगेट ये लोअर पॉइंट का और 200 मूविंग एवरेज के आसपास आप एस एल लगा सकते हैं, राइट. तो इसलिए आपको अगर बाय लेना है तो बाय लेने से आपको 4300 का ऊपर ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक मार्केट जो स्मॉल टाइम फ्रेम रहता है 15 मिनट में, इसने डाउन ट्रेंड प्लेस कर लिया, और यहाँ पे हमें 200 मूविंग एवरेज जो प्लेस हुआ है अराउंड 4200 में, यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज मिला हुआ है. तो इसलिए आपको अगर आपने सेल लिया तो एस एल इसका ऊपर में, जैसे 4300 का ऊपर में आप एस एल लगा सकते हैं, राइट. So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.